इसी के साथ बिहार से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल गैंगस्टर से नेता बनी आनंद मोहन की पत्नी लवली मोहन आज जेडीयू में शामिल हो गई। वहीं जेडीयू ज्वाइन करने के बाद लवली ने कहा कि जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उसे मानेंगे। इसके साथ ही लवली मोहन ने आगे कहा कि हम पार्टी को मजबूत करने आए हैं, साथ ही हमारा उद्देश्य लोकसभा की 40 सीटें जीतना है। इस मौके पर ललन सिंह ने पूर्व सांसद का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि समता पार्टी के गठन के समय भी ये हम लोगों के साथ थी और फिर से अच्छी जगह पर वापस आ गई हैं। देखिए ये पार्टी का फैसला, हम लोग पार्टी में आए हैं, पार्टी को मजबूत, तो पार्टी का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, वो मानेंगे। पार्टी को मजबूत करने आए, एक सीट नहीं 40 सीट जीतना है हमारा उद्देश्य, लोकसभा का 400 सीट जीतना है। ये पार्टी का फैसला है, पार्टी का जो होगा मानेंगे।